थैंक यू जनाब जी। और रहमान साहब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं अपनी बात अपने दादा मोहतरम के इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ऐ चमन वालो, मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ऐ चमन वालो, तुम्हारे सर से भी एक दिन गुजरनी कयामत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आज बजट का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये बजट बहुत बड़ा बजट है और आम जनता के लिए बजट है, ये आम जनता के को बचाने के लिए बजट नहीं बल्कि ये बजट सरकार को बचाने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने रोज़गार देने के नाम पर वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे 2014 में, और 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए। अगर आपने रोज़गार दिया होता तो 10 करोड़ रोज़गार होता और हर परिवार के अंदर एक आदमी को रोज़गार मिला होता, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है। आप बताइए मुझे, जो आपने कहा था कि हम रोज़गार के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम किया है, अगर आज कहीं भर्तियाँ निकलती भी हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। कितने लोग युवा हमारे किस उम्मीद के साथ पढ़ने के बाद पेपर को देते हैं लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और उनकी उम्मीदें सिर्फ धराशायी हो जाती हैं। आज किसानों के मुद्दे की बात करें, कहा था कि हम उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे, आमदनी दुगनी करने की तो दूर की बात है। आपने उनके साथ जो हमारे किसान एक साल तक एक दिल्ली के बॉर्डर पर तड़पते रहे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने उनके उनकी सहायता नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे पास में किसान समिति के लोग आए थे, उन्होंने मांग की है कि उन सारे परिवार को या तो 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप उद्योगपतियों के कर्जे तो 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो किसान हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आज आप उन किसानों का पैसा माफ़ नहीं कर रहे। हमें शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस वक्त आज एजुकेशन की अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन के नाम पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप उनका लगातार बजट घटाते जा रहे हैं। एमयू के जो 5 कैंपस थे उनका वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं, आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। यूपीए के टाइम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ चुका है, लेकिन आपने भाजपा कहती थी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में हम उनके कुरान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साथ में धोखा किया, छलने का काम किया। एनडीए ने 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम पर 5020 करोड़ अलॉट किए थे लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपये को ही खर्च कर पाए। इस बजट को 2024-25 में सिर्फ 3123 करोड़ किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ में ऐसी ज्यादती क्यों है। सरकारी आंकड़ों में देश इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मुसलमानों को छात्रों की भागीदारी में गिरावट आई है। उनके बच्चों का एनरोलमेंट 2020-21 में मात्र 4.6% था। स्किल कॉलेज ऐसे हो गए हैं जैसे मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं। इसके सबसे बड़ी मिसाल एएमयू और जामिया का लगातार घटता बजट है। पीएम जब मुल्क मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, अरब से पीएम अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भारत में मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक तालीम और मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर यूएन में अमेरिका की अल्पसंख्यक रिपोर्ट हमारे देश पर उंगली उठाती है तो सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आखिर उसके बाद भी मॉब लिंचिंग बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के मकान गिराकर खुद भाजपा सरकार क्या देना चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मैं बस अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। अलीगढ़ में हमारे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बना करके भेजा था और उसमें मैं गया था जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो गई, और उनके अफसोस की बात यह है कि मॉब लिंचिंग होने के बाद कि फिर वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है उनको बचाने का काम करते हैं, हम बुलडोज़र चला देते हैं। मैं कहता हूँ बुलडोज़र चलाने का काम, सज़ा देने का काम कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का नहीं है, न्यायपालिका काम है। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ शेर के साथ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मज़लूम ज़्यादा दिन नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला,
इन अंधेरों को जिगर चीरकर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी दरख्वास्त है कि इस मॉब लिंचिंग बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए और खासतौर से एजुकेशन के मसले पर, हमारे मुसलमानों के लिए एम्प्लॉयमेंट पर, रोजगार पर भी खासतौर से फोकस किया जाए। ये बजट जो कि कमजोर बजट है और इसमें आम जनता के लिए मुसलमान सर, दिस बजट लैक्स कंपैशन एंड एम्पैथी एंड द ब्लेम